गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। अब हम वॉइस में नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। वॉइस के अंदर नेक्स्ट स्टेप वॉइस नेक्स्ट, यानी कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में कोई मॉडल आ जाते हैं, क्या जाते हैं मॉडल, जैसे एग्जांपल के लिए और एग्जांपल एग्जाम्पल कैन ए कोर्ट मे माइट मस्ट वर्ड शुड will shall or to used to dare need or need not or used to etc। कोई भी मॉडल आ जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर, तो उसका जब हम पेशे बनाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो मॉडल होता है वो मॉडल है जी टी पैसिव के अंदर वापस आ जाएगा, और उसके साथ में हमें बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, समझ गए ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव का यही सेम है, सब्जेक्ट प्लस कोई मॉडल दिया हुआ है, मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर कोई है उसका प्रयोग हो जाएगा। तो अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल एचवी, और उसके साथ जुड़ेगा बी, क्या जुड़ेगा बी, और वर्ब थर्ड आ जाएगा, फिर बाई, और उसके बाद में इसका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। अब आगे देखिए, इसके एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, राधा कैन सिंग अ सॉन्ग, ये क्वेश्चन दे दिया। इसके अंदर कैन आया है और ये वर्ब फर्स्ट, क्योंकि मॉडल जब आता है मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो राधा कैन सिंग अ सॉन्ग, अब ये मॉडल आ गया पैसिव में। ये क्वेश्चन में जो मॉडल आया है वो एडजेक्टिव वापस आ जाएगा, इसके साथ में लगाना क्या अपने को बी लगाना है, जैसे इसका पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट कौन है अ सॉन्ग, ये आ गया अ सॉन्ग, मॉडल आया है कैन एडजेक्टिव वापस आ जाएगा, फिर बी लगाइए, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है, इसके अंदर सिंग, सिंग की तीनों फॉर्म है, सिंग फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, वैसे फॉर्म पांच होती है ना, पांचवी फॉर्म,
सिंग है सेकंड फॉर्म, सेंग थर्ड फॉर्म, सन फॉर्थ यानी आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा सिंग्स। एस या ई एस लग जाता है इस फॉर्म के अंदर, क्या लग जाता है एस या ई एस। सिंग फर्स्ट फॉर्म, सेंग सेकंड, थर्ड सन, फोर्थ आईएनजी फॉर्म यानी सिंगिंग, और फिफ्थ सिंग्स यानी एस या ई एस लग जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो अब इसके अंदर सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगा सन होगा, तो क्या हो गया ए सॉन्ग कैन बी, ये थर्ड रूल है इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म सन, और फोर्थ रूल क्या आता है बाय का प्रयोग करिए, ये बाय लगा दिया, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसका राधा, ये पेशी में क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो गया बाय राधा, ये सेंटेंस बन गया बड़ा। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा क्या है दूसरा, आई मस्ट पे टैक्स, आई मस्ट पे टैक्स कंपल्सन, क्या है कंपल्सन मॉडल, मस्ट आया हुआ है वर्ब फर्स्ट है, अब इसका पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसका देखिए, ये सब्जेक्ट ये एचवी यानी ऑब्जर्वरी वर्ब, ये वर्ब, और ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लाएंगे यानी टैक्स, हेल्पिंग वर्ब मस्ट मॉडल है एज इट इज वापस आ गया, और साथ में क्या जुड़ा बी, दो रूल हो गए, तीसरा रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म पे का थर्ड फॉर्म पे फॉर्थ बाई, और फिफ्थ सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट कौन है आई ऑब्जेक्ट में जाएगा इस प्रोनाउन है थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो टैक्स मस्ट बी पेड बाई मी, ये क्वेश्चन बन गया इसका है ना। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा कुड सॉरी मिस्टर शर्मा कैन टीच साइंस, अब इसमें कैन भी मॉडल आ गया, या कैन टीच यू साइंस, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक यू एक साइंस, पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन है यू, यू का लिख ले लिया यू हेल्पिंग वर्ब मॉडल कैन आया है, तो यू कैन बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, अदर ऑब्जेक्ट क्या है साइंस, ये साइंस आ गया, उसके बाद यू कैन बी टॉट साइंस बाय मिस्टर शर्मा, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं कैसे, साइंस को सब्जेक्ट बना लीजिए, ये साइंस सब्जेक्ट बन गया, साइंस हेल्पिंग वर्ब कैन वापस आ जाएगा, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, मेन ऑब्जेक्ट को अदर ऑब्जेक्ट मान लिया, तो साइंस कैन बी टॉट टू यू बाय मिस्टर
मिस्टर शर्मा, समझ आ गया आपको? ओके okay.